जय जय माता दी मित्रों, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र ऐसे YouTube चैनल पे जहाँ पे आपको सनातन और वैदिक गुप्त रहस्य, गुप्त मंत्र उपाय प्रयोग बताए जाते हैं। आज मैं आपको मित्रों बहुत ही सात्विक, हमारे जो माँ दुर्गा होते हैं उनके चैत्र नवरात्र, उस नवरात्रि में किस प्रकार से आप कुछ नियमों का पालन करके माँ दुर्गा को, माँ आदि शक्ति को खुद आने पर मजबूर कर देंगे। जिस प्रकार भागीरथी ने अपने कर्मों से माँ गंगा को पृथ्वी पर आने पर मजबूर कर दिया और पृथ्वी पे ही निवास करने के लिए बोल दिया, उसी तरह आप इस विशेष समय में, नवरात्रि के विशेष समय में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। वह गुप्त रहस्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सभी चीज आप समझ सकें। दूसरी बात यह है मित्रों कि इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी रहस्य बताऊंगा मैं नवरात्रि से जुड़ी हुई, और इसे मात्र सुनने से ही आपको बहुत से पुण्य मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको बहुत ही चमत्कार देखने को मिलेंगे आपके जिंदगी में ही। जो नहीं सोचे होंगे वह बदलाव हो जाएगा आपकी जिंदगी के, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो यह जान लीजिए, चैत्र नवरात्रि 2019। नवरात्र एक ऐसा समय मित्रों जब दो ऋतुओं का मिलन होता है, इसे मिलन को संधि काल कहते हैं। और ब्रह्मांड में जो असीम शक्तियां होती है, जो ऊर्जा होती है पवित्र, वह ऊर्जा इस समय में पूजा पाठ और तरह तरह के विधि विधान से लोगों के संपर्क में आती है और उसे वह ग्रहण करते हैं। यह अदृश्य शक्तियाँ होती है जिसे महसूस किया जाता है। तो चैत्र नवरात्र में अश्विन नवरात्र, दो नवरात्र होते हैं। चैत्र नवरात्र गर्मियों के मौसम में होते हैं जो कि अभी आपको 6 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, प्रकृति माँ का एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन जब होता है वह एक विशेष समय होता है जो चैत्र नवरात्र। इसमें इन सभी चीज़ों के समन्वय से एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो चैत्र नवरात्र है मित्रों, यह चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथमा से प्रारंभ होता है और रामनवमी को ही समापन हो जाता है इस नवरात्रि का। चूंकि इस वर्ष नवरात्रि आपका 6 अप्रैल से प्रारंभ होकर समापन 14 अप्रैल को होगा, और नवरात्रि में माँ दुर्गा अर्थात भगवती के 9 रूपों की जो है पूजा अर्चना उपासना, और नहीं तो कम से कम ध्यान, यह सब कर लेने मात्र से आपको संपूर्ण रूप से ऊर्जा परिवर्तन कर देने वाला बहुत से चमत्कारी शक्तियाँ आपको अपनी ज़िंदगी में मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको तिथि बताऊंगा, तिथि के साथ साथ माता के कौन से रूप का पूजा होता है, यह गुप्त चीजों को समझिएगा पहले। 6 अप्रैल पहला दिन है मित्रों, प्रतिपदा। इस दिन घटपन, चंद्रदर्शन और शैलपुत्री, इन सब की पूजा होती है। 7 अप्रैल दूसरा दिन होता है नवरात्रि का, इस दिन सिंधारा दौज और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। 8 अप्रैल तीसरा दिन पड़ रहा है, इस दिन गौरी तेज या सौजन्य तीज के रूप में होता है, और इस दिन मुख्य अनुष्ठान चंद्र घंटा माँ की होती है, उसकी पूजा होती है। 9 अप्रैल चौथा दिन, इस दिन वरद विनायक चौथ के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन जो अनुष्ठान होती है वह कुष्मांडा देवी की होती है। 10 अप्रैल पांचवा दिन, इस दिन लक्ष्मी पंचमी कहते हैं पांचवा दिन को। इस दिन मुख्य रूप से अनुष्ठान नाग पूजा होती है और स्कंद माता की पूजा होती है। 11 अप्रैल छठा दिन, इसे यमुना छत या स्कंद षष्ठी भी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान जो होता है माँ कात्यायनी का होता है और इस दिन इसकी पूजा होती है। 12 अप्रैल सातवां दिन, सातवां दिन अर्थात सप्तमी, महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है देव, और इस दिन को देवी का आशीर्वाद मांगने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। बहुत ही शुभ दिन होता है, बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है सातवां दिन। और अष्टमी जो कि माँ दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, इसे अन्नपूर्णा अष्टमी भी कहते हैं मित्रों। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होती है और संधि पूजा की जाती है। 14 अप्रैल नौवां दिन, नवमी, नवरात्रि उत्सव का अंतिम दिन, इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिंधिदात्री की पूजा की जाती है। जी हाँ मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दौरान अनुष्ठान उपवास आदि रखते हैं जिनसे कुछ
आपको ऐसे कर्म होते हैं या फिर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, विघ्न बाधाएं या फिर बहुत दिन से रुके हुए कार्य जो नहीं बढ़ रहे हैं, वह इस समय में कर देने से आपको पूरी तरह से फल देने लग जाते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के पहले 3 दिनों को ऊर्जा जो होती है उसको माँ दुर्गा को समर्पित है, अगले के 3 दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है, और आखिरी के 3 दिन ज्ञान की देवी अर्थात माँ सरस्वती को समर्पित है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक के एक एक दिन के लिए अलग अलग विधान है, अनुष्ठान है पूजा की। पूजा की विधि क्या है इसे समझिए, इस गुप्त भेद को मैं आपको बता रहा हूं ताकि इस पूर्ण रूप को आप सुनकर ही उस पुण्य को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन सबसे आवश्यक है। जो ब्रह्मांड का प्रतीक होता है उसे घट कहते हैं और इसे पवित्र स्थान पर रखा जाता है। घर की शुद्धि और खुशहाली के लिए घट स्थापना की जाती है। अखंड ज्योति जो होती है नवरात्रि में ज्योति घर और परिवार में शांति का प्रतीक है, इसलिए जलाया जाता है। यह जरूरी है आप नवरात्रि में पूजा करने से पहले, माँ जगदम्बा के किसी भी रूप की पूजा करने से पहले, घर में देसी घी का दीपक प्रतिदिन जलाए, या हो सके तो उसे जलते ही रहने दे नवरात्रि के समय में। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा लाती है, घर में सुख समृद्धि की बढ़ावा देती है। जौ की बुआई, नवरात्रि में घर में जौ की बुआई करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए इसे हवन में भी चढ़ाया जाता है। वसंत ऋतु में आने वाली पहली फसल भी जौ ही है मित्रों, जिसे देवी माँ को चैत्र नवरात्रि के दौरान अर्पित किया जाता है। तीसरा चीज आता है आपके लिए जो बहुत अहमियत रखता है, 9 दिन का भोग अर्थात 9 दिन के लिए प्रसाद, कि माँ के प्रत्येक दिन में कौन कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रत्येक दिन एक देवी का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक देवी को कुछ भेंट करने के साथ साथ कुछ भोग भी चढ़ाया जाता है। सभी देवी के जो भोग है उसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि कौन से दिन कौन सा भोग आपको माता को चढ़ाना है। प्रथम दिन केले का भोग चढ़ाइए, द्वितीय दिन देसी घी अर्थात गाय के दूध से बने हुए घी उसका, तृतीय दिन नमकीन मक्खन चढ़ाइए, चतुर्थ दिन मिश्री, पंचम दिन खीर या दूध, षष्ठी के दिन मालपुआ, सप्तमी के दिन शहद, अष्टमी के दिन गुड़ या नारियल, और नवमी के दिन आपका धान का हलवा होता है। दुर्गा सप्तशती, इसे आप मैंने पिछली वीडियो में, जस्ट इसके पहले की वीडियो में दुर्गा सप्तशती के महाबीज मंत्रों को आपको बताया है। ऐसा गुप्त मंत्र, ऐसा गुप्त रहस्य मैंने आपके सामने रखा है जो हमारे आदि गुरुदेव से प्राप्त है, उसे आप सुन सकते हैं, या सुन नहीं सकते तो कम से कम एक बार उसे पढ़ जरूर लीजिएगा, उस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। तो इस दिन नवरात्रि के 9 दिनों के साथ आपको दुर्गा सप्तशती के केवल बीज मंत्रों को सुनना है। 9 दिनों के लिए 9 रंग होते हैं, प्रत्येक दिन और प्रत्येक रंगों का अपना अलग अलग महत्व है जो कि अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। शुभकामना और समृद्धि के लिए पहले दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम कोई भी हरे रंग का वस्तु रखना चाहिए। द्वितीय दिन नीला रंग, तृतीय दिन लाल रंग, चतुर्थ दिन नारंगी रंग, पंचम दिन पीला रंग, षष्ठी के दिन नीला रंग, सप्तमी के दिन बैंगनी का रंग, अष्टमी के दिन गुलाबी का रंग, और नवमी के दिन सुनहरा रंग। मित्रों, नवरात्रि में एक बहुत अहम चीज होता है कन्या पूजन। कन्या पूजन माँ दुर्गा की प्रतिनिधि अर्थात कुंवारी कन्याएं उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें जो माँ का प्रतिनिधित्व होते हैं उन्हें विदाई करने की विधि होती है। जब कन्या पूजन करते हैं उन्हें फूल, इलायची, फल, सुपारी, मिठाई, भोग, कपड़े, चूड़ी, बहुत इत्यादि जो सामग्री है आपसे देते बने देना चाहिए। खास कर से हलवा, काले चने, इस सब चीजों को देने की प्रथा है। आपको अनुष्ठान करना है इस दिन नवरात्रि के समय में, तो अनुष्ठान के लिए कुछ नियमों का पालन करिए जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा प्रार्थना और उपवास। चैत्र नवरात्रि का सबसे अहम प्रतीक है, अर्थात इस दिन जितना हो सके प्रार्थना करिए, उपवास करिए। त्योहार के आरंभ होने से पहले अपने घर में देवी का स्वागत करिए, घर की साफ सफाई करिए, सात्विक जीवन व्यतीत करिए मित्रों। भूमि में हो सके तो शयन करिए, सात्विक आहार लीजिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत से बहुत शराबी भी होते हैं, वो नवरात्रि के समय अपना शराब अर्थात 9 दिन तक के लिए त्याग कर देते हैं,
तो आप कोशिश कीजिए इस दिन सात्विक आहार लेने का। उपवास करते वक्त सात्विक भोजन लीजिए, जैसे कि फल हो गया, दूध दही हो गया इत्यादि। नवरात्रि के दौरान भोजन सख्त अनुशासन बना के रखिए। अपने व्यवहार पे भी ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार से इस समय नवरात्रि के समय हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए ही, ये परम आवश्यक है मित्रों। और इस समय आप किसी भी प्रकार से जंक फूड, अस्वास्थ्यकारी फूड आपको ग्रहण नहीं करना है। 2-3 मिनट के लिए सत्संग करिए, और नहीं तो वीडियो देखिए माँ के स्वरूपों का, ज्ञान से जुड़ी बातें, ध्यान से जुड़ी बातें, और इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए। इस समय चमड़े का प्रयोग वर्जित रहता है, ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए आप कितने भी बड़े से बड़े काम में हों, कितनी भी बड़ी चीज़ें हों, फिर भी क्रोध ना हो, और क्षमा करना जरूर सीखिएगा इस समय। छोटी मोटी गलतियों में लोगों को क्षमा करते रहिए। मित्रों, ये जो नवरात्रि है, यह एक ऐसा पवित्र समय है, जिस समय के आप इन सब चीज़ों को पालन कर दें तो निश्चित तौर पर, अगर आपके पिछले 7 पीढ़ियों ने भी अगर कुछ ऐसे कर्म कर दिए हों कि आपके अंदर गरीबी हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो, या फिर आपके पास पैसे, प्यार, दौलत, शोहरत, नाम, किसी भी चीज़ का, चाहे व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, किसी भी चीज़ में अगर आपने अभी तक सफलता नहीं देखी हो, तो बस मैंने जो बताया है उसे करिए, उनको पालन कीजिए। आप देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगा, यह गारंटी मैं देता हूँ, बशर्ते उन चीज़ों को पूर्ण श्रद्धा से, अर्थात मेरे वचनों पर पूर्ण विश्वास रखकर आप करिए। चैत्र नवरात्रि का समय ही एक ऐसा समय, अगर इसे कर दें तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा तो महापुराण में कहा ही गया है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नियमों का पालन भी कर ले, वीडियो को सुन भी लिए, फिर भी आपको पुण्य मिलेगा। मित्रों, अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता हो नवरात्रि पूजन से संबंधित, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।